हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 4 कराऊंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आपकी सपोर्ट मटेरियल की बुक से। चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, आज आगे हमें कंटिन्यू करना है। तो चलिए देखते हैं कहाँ से आज हमें करना है। तो आज हमारे को क्वेश्चन नंबर, हमने लास्ट किया था अपना, अगर हम देखें तो 21 तक हमने कर लिए थे। तो आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करना है। तो देख रहे हो आप, क्वेश्चन नंबर 22 आपके पास सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है 2020 में। तो चलिए देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे है, इसके नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स हम कैसे बता सकते हैं, डी निकाल के बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पहले हमें डी ही निकालना है। अब कह रहे हैं इफ द रूट्स आर रियल, फाइंड देम। अगर इसके रूट्स रियल है तो रियल भी इक्वल वाले होते हैं और डिस्टिंक्ट वाले दो होते हैं। अगर डी की वैल्यू जीरो के बराबर हुई और डी की वैल्यू जीरो से बड़ी हुई तो आपके पास रियल रूट्स होते हैं। तो अगर रियल रूट्स है तो आपको क्या करना है, वो रूट्स भी निकालने हैं। इसका मतलब आपको एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो चलो पहले तो डी ही निकाल के देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास ये है 22 यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिख ली, 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 इज इक्वल्स टू में 0। तो अगर आप देखो तो यहाँ a आपके पास 3 है और b आपके पास यहाँ पर माइनस 4√3 है और c आपके पास यहाँ पर 4 है। d क्या होता है आपके पास, b² माइनस का 4ac। तो वैल्यूज़ रखते हैं, b की जगह मैंने रखा माइनस 4√3 का होल स्क्वायर, माइनस का 4, a की जगह 3 रखा, c की जगह 4 रखा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर अगर आप इंटू करोगे तो 4 4 जाए 16 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और √3 × √3 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 16 × 3। तो दोनों ही आप देख रहे हो सेम सेम आ रहे हैं, 48 − 48। तो इसका मतलब डी की वैल्यू यहाँ से 0 आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब गिवन इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, क्योंकि दोनों डी की वैल्यू 0 है तो इक्वल रियल रूट्स होंगे। अब जब रियल रूट्स हैं तो हमारे को क्या करना है, रूट्स भी फाइंड करने हैं। तो चलो अब एक्स निकालते हैं। तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल्स टू, बी की वैल्यू है यहाँ पर माइनस का 4√3, तो वही पुट कर दी, प्लस माइनस डी की वैल्यू यहाँ पर 0 है और 2a, ए की वैल्यू यहाँ पर 3 है। क्लियर? देखो रूट 0 है तो वो तो 0 ही हो गया, और ये माइनस से माइनस प्लस हो गया तो आपके पास आ गया 4√3 और 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर से, 2/3√3। मैंने इसको 4 और 6 को क्या किया, 2 से कट कर दिया, इसके इक्वल रूट्स हैं। तो रूट्स आ गए यहाँ पर, दोनों सेम ही आएंगे फिर। तो रूट्स आर 2√3/3 and 2√3/3। क्लियर? ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ये भी आपके पास सीबीएसई में 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। कह रहा है सॉल्व यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक इक्वेशन आपको ये पूरी दे रखी है, इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। ठीक है, पहले इस इक्वेशन को आगे लिख लेते हैं। देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर लिखती हूँ तो ये मैंने इक्वेशन लिख ली। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ए की वैल्यू आपको 9 दे रखी है, बी की वैल्यू आपको यहाँ पर माइनस दे रखी है, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखे −6a² और सी की वैल्यू a^4 − b^4 दे रखी है। ठीक है ना? अब वैल्यूज़ मैंने यहाँ डी निकाल लिया, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है हमको, तो डी यहाँ पर हमारे को निकालना पड़ेगा, वो होता है b² − 4ac। तो बी की वैल्यू है −6a², तो यहाँ लिख दिया −6a² का होल स्क्वायर। ठीक है, −4ac है, ए की जगह पर मैंने 9 रख दिया और सी की जगह पे लिख दिया a² − a^4 − b^4। क्लियर है? अब देखो −6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आ जाएगा, a का स्क्वायर करोगे, a² का स्क्वायर करोगे तो a^4 आ जाएगी, 4 9 जा 36 हो जाएगा, 36 को a^4 से इंटू किया तो 36 a^4 आ गया। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो गया, फिर 4 9 जा 36 को b^4 से इंटू किया तो b^36 b^4 आ गया। तो अगर आप देखो तो ये दोनों तो आपस में कट हो चुके हैं, तो आपके पास d की वैल्यू आ गई 36 b^4। क्लियर है? अब मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, −b + −√d, यही होता है। अभी हम देखो यहाँ पर ऊपर इसी फॉर्मूले को यूज़ करके आए हैं। ठीक है, अपॉन में यहाँ पर होता है 2a, तो −b तो यहाँ पर आ जाएगा −6a² + −√36b² अब देखो x = −± + हो गया 6a² + −, इसको आप क्या लिख सकते हो, 6b² का होल स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में 2 9 जा 18 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर x आ जाएगा आपके पास 6a² + −, इसको लिख सकते हैं हम 6b², क्योंकि स्क्वायर से रूट कट हो गया,
और यहाँ आ गया 18। तो दो वैल्यूज एक्स के यहाँ से निकलेंगी, एक निकलेगी 6a² + 6b² अपॉन में 18, और एक आपके पास आ जाएगी यहाँ पर 6a² - 6b² अपॉन में 18। ठीक है, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से 6 कॉमन लूँ तो यहाँ पर बचेगा a² + b² अपॉन में 18, इसको इससे कट कर दिया मैंने यहाँ पर, तो 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास a² + b² अपॉन में 3। ऐसे यहाँ से आप 6 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा आपके पास a² - b² अपॉन में 18, ऐसी है, इसको इससे कट किया तो 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी a² - b² अपॉन में 3। दो वैल्यूज़ चाहिए, दोनों वैल्यूज़ आ गई। क्लियर है, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 23। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हमारे सारे कंप्लीट हो गए हैं इस चैप्टर के। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। अभी इस चैप्टर के काफ़ी क्वेश्चंस और रहते हैं, क्वेश्चन 24 से हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टोटल अगर मैं आपको इसके क्वेश्चंस दिखाऊं तो टोटल आपके पास 47 क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट क्लास में 24 से स्टार्ट कर देंगे। इन दो क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।